अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला के बारे में बताया गया कि वो तफसीर के बाद में अल्लाह तआला ने उनको खास इल्म अता किया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अल्लिमहु तंज़ीब व फक्किहु, अल्लाहुम्मा अल्लिमहु ताबील व फक्किहु फी तंज़ीब, अलग अलग कलिमात कि अल्लाह तआला इनको कुरान मजीद सिखा दे, इनको इल्म अता करे और कुरान मजीद की गहराई ताबील गहराई अता फरमाए। जाहिर बात है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब यह खुसूसियत हासिल हुई तो तफसीर में अव्वल नंबर तफसीर में किसका आता है? इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। अब बात है लोग जब देखते हैं कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला, तो बहुत सारे मुसलमान तारीख में ऐसे गुजरे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हदीस घड़ने में डरते थे वो लोग, क्योंकि हदीस क्या है, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वअ मक़अदहु मिन अन्नार, अगर कोई झूठ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर घड़ दे तो अपना ठिकाना कहां बना ले, वो जहन्नम में बना ले। तो कुछ ऐसे मुसलमान तारीख में गुजरे हैं, उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ नहीं घड़ा, उन्होंने अपने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला का नाम पर डालकर कई चीजें घड़ डाली। तो आपको फिर अगेन बचना है। बहुत सारे कादियानी हजरात एक पॉम्फलेट निकालते हैं, उसके अंदर वो अपने अकीदे के बारे में साबित करने के लिए इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला ने तूफिया का माना ये कहा, फलावट का माना ये कहा, फलावट, हमारे लोग देखते रहे इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला, लेकिन वो सारे रिवायतें क्या होती, मनगढ़ंत रिवायतें होती। तो उस पर आपको केयरफुल रहना, खासतौर से आप हैदराबाद के बाद में तफ़सीर इब्न अब्बास उर्दू में आप देखते हैं, अरे शेख को इसकी बहुत तारीफ करे थे तफ़सीर इब्न अब्बास, अगर इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला की तफ़सीर मिल गई तो वो लेकर पढ़ना शुरू कर देते, ये मनगढ़ंत तफ़सीर, इससे बचना चाहिए। असल में इस तफ़सीर का नाम है तनवीरुल मक़यास फी तफ़सीर इब्न अब्बास, ये फेरोज अबू लूलू नामी एक फेरोज आबादी एक बहुत बड़े मजदुद्दीन फेरोज आबादी एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, इन्होंने क्या किया एक जमाने में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला से मुताल्लिक जितनी भी रिवायतें हैं सही ज़ईफ मनगढ़ंत सब उन्होंने जमा कर दी। शायद उनकी नीयत ये थी कि बाद में साफ करेंगे, जैसा आदमी क्या करता है, रफ काम करता है बाद में फिर काम करता है, लेकिन बाद वक्त मौका नहीं मिलता तो बाद वाले समझ जाते शायद ये आलिम साहब पूरा इसको मानते हैं, बात ऐसी नहीं है। जैसा फ़ज़ाइल आमाल के बारे में भी आता है कि डॉक्टर साहब ने इमाम शेख ज़करिया साहब से कहा कि आप मेंटली कोई काम माना करें, तो बाहर बात एक आदमी जो हदीस को पढ़ने पढ़ाने वाला है, जब उनसे कह दिया गया कि आप जहनी कोई बड़ा काम ना करें तो अपने तकिए के पास फ़ज़ाइल आमाल के नाम से कुछ जमा कर रहे थे, सही दईफ सब जमा कर रहे थे। जैसे उनका इंतकाल हुआ वो तकिए के पास से वो किताब निकालकर उसको पूरी तरह से छाप दिया गया, और उसमें शेख की कोई गलती नहीं, चाहने वालों की गलती है कि वो क्या छाप रहे क्या फैला दे रहे, जबकि शेख तो बड़े बड़े मुहद्दिस गुजरे, उनकी किताब है औजाज़ुल मसालिक, मौता इमाम मालिक या तनवीरुल हवालिक, ऐसी जो किताबें मिलती है उसमें एक फहरिस्त उनका भी नाम आता है, मौता इमाम मालिक की शरह काफी वसी पैमाने पर करने वाले, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उनके पास बिल्कुल हदीस का इल्म नहीं था या बाद वाले, तो बाद वाले लोग क्या करते हैं अकीदत में आकर वो चीज को फैला देते, उसका इल्म नहीं होता शेख। इसीलिए जब मेरी मुलाकात हुई फ़ज़ाइल आमाल जो तबलीगी जमात वाले हज़रात बहुत पढ़ते हैं, तो शेख ज़करिया गफ़रल्लाहु लहु, तो ये साहब की जब मैंने किताब पढ़ी तो उसके अंदर बहुत सारे दईफ और मनखड़त रिवायतें इसके अंदर हैं, तो जब मैं इनके नवासे से मिला मक्के के अंदर तो मैंने कहा कि आप हदीस में तखस्सुस कर रहे हैं और आप जो है देख रहे हैं कि नाना की किताब में काफी सही दईफ मनखड़त बल्कि बाद तो अजीब अजीब वाहियात वाकयात है बल्कि शिर्क भी है बिदात भी है, आप इसको साफ क्यों नहीं करते? तो कहा कि मैंने साफ करके तैयार रखा है लेकिन अभी खौफ मानने के लिए तैयार नहीं, हमारे से भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके, तो अंदाजा लगेगा। इसको कहते हैं कि अंधी अकीदत में उल्टा क्या है, आप शेख की जब एक आलिम क्या वो उस वक्त पर लिखे हैं जबकि उनको लिखने के लिए जो है बिल्कुल साफ करने के लिए उनके पास ना टाइम था ना सेहत थी, तो तारीख में से बहुत सारी किताबें हैं लिख दी गई है लेकिन उसको सही दईफ में बांटने का टाइम नहीं मिला, तो उसमें से शायद ये भी किताब लिख दी गई कभी तफ़सीर के नाम से, उसके अंदर मन घड़त दईफ सब है, उर्दू में तर्जमा जो आपको मिल रहा है तफ़सीर इब्न अब्बास के नाम से, आप इसको ये कहकर मत उठाइए। अलबत्ता मदीना यूनिवर्सिटी में पीएचडी स्कॉलर्स ने अलग से काम किया, वो क्या किया उन्होंने रिवायात ले तफ़सीर इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला के वो रिवायतें के लिए पाई जाती है, इस नाम से मदीना यूनिवर्सिटी से पीएचडी के स्कॉलर्स ने रिवायतें जमा करके तफ़सीर तबरी के अंदर सही ज़ईफ में बांटा है। अगर आपको मदीना यूनिवर्सिटी के कोई आलिम के मोहर के साथ अगर पैसा रिसर्च वाली बुक मिलती है और कल के दिन अगर वो तर्जमा हो जाए, अरबी में तो मौजूद है, अगर वो तर्जमा हो जाती है तो एक बात है, वो एक इल्मी बात है, वो एक तहकीकी बात है, तो जरा फर्क करते चले कि ऐसा ना हो कि तफ़सीर इब्न अब्बास बताकर कल के दिन कोई खादियानी या कोई गुमराह करता आपको कि दूसरी जगह पर लेकर ना चला जाए, अल्लाह पाक फरमाए।